सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज आप लोग देखिए कितना सारा सामान है। तो मैं आज दिखाने जा रही हूँ जो मैं मंगल बाजार से शॉपिंग करके आई हूँ, लक्ष्मी नगर का मंगल बाजार से। वीडियो में डाली थी, मार्केटिंग करने गई थी उसका ब्लॉग में, और देख सकते इतना सामान है कि आधा फेस तो मेरा छुप ही गया इसमें। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये आधा सामान है, आधा तो लेकर चली गई क्योंकि जिस दिन मैं मार्केट से आई थी उसी के अगले दिन मेरी बहन चली गई थी, तो सामान आधा लेकर चली गई जो उसका था। और जो ये मेरा है पर्सनली, वो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि क्या क्या शॉपिंग करके मैं लाई हूँ। तो जैसा कि देखिए इतना सारा सामान है, तो मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले इस बड़े वाले झोले से। तो देखती हूँ इस थैले में क्या है। तो इस थैले में है मेरा कपड़ा, ये देखिए, ये है पीकॉक ग्रीन कलर का, और ये है स्कर्ट, देख सकते हैं ये ऐसा स्कर्ट है। मैं खड़े होकर नहीं दिखा रही हूँ, देखिए। तो देखिए ऐसा है कुछ, स्कर्ट के कमर पे ऐसा वर्क किया हुआ है, और ये है स्कर्ट, पिकॉक ग्रीन कलर का है। और अगर इस कपड़े का पूरा लुक देखना है तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, जब ये पहनूंगी उसके बाद आप लोगों को पूरा लुक दिखेगा। और इसके ऊपर है ये टॉप बोले ब्लाउज बोले, क्रॉप टॉप टाइप का ये टॉप है, ब्लाउज है इसका ऊपर में, और उस पे यहाँ पे सिर्फ वर्क है। और ये है इसका दुपट्टा, ये देख सकते हैं ऐसे साइड से सिर्फ मोती का वो दिया रखा, मोती का है वर्क, वर्क नहीं मतलब बॉर्डर कह सकते हैं। और साथ में दिया है ये कोटी श्रग, इस टाइप का है ये, और इस पे भी वर्क है ये। तो पूरा लुक देखने के लिए आपको मेरा कंटिन्यू मेरे वीडियो में बने रहना पड़ेगा, जब मैं इसको पहनूंगी फंक्शन में उसके बाद दिखेगा कि पहनने के बाद इसका लुक कैसा आता है। मैं अभी पहन कर नहीं दिखा रही हूँ। तो पहला तो ये है कपड़ा मेरा, और दूसरा देखते हैं इस थैले में क्या है। तो काफी सारे कपड़े हैं और काफी तो चले गए। और दूसरा देखिए, ये मैं ली हूँ घर में पहनने के लिए, या आसपास जैसे शॉपिंग वगैरह पे जाते हैं उसमें, ये वूलन टॉप कुछ इस तरीके का है, और ये जो है ना इसको गले पे बांधने वाला है। तो मैं किसी भी ड्रेस को पहन कर नहीं दिखा रही हूँ, बस ऐसे ही दिखा रही हूँ। ये क्रीम कलर का है, तो ये मैं अपने लिए ली हूँ। और एक ये है वाइट एंड ब्लैक, बहुत ही सुंदर लगा था देखने में, तो ये मैं ली हूँ राश्री के लिए। ये भी उलन है, ये राश्री के लिए ली हूँ मैं। और अब ये क्या है, तो अब ये क्या है, ये देखिए, ये है लकी के लिए कोट पैंट, ये सब निकालने में ना बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं। बाकी हर कपड़े को पहनने के बाद लुक क्या आता है वो देखने के लिए आप लोग कंटिन्यू मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। हाँ, एक आधा दिन बीच कर कर के वीडियो आता है क्योंकि मार्केट आना जाना और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, जिस कारण से टाइम नहीं मिल पाता है बनाने का। तो देख सकते हैं ये इस तरीके का है, ये है इसका पैंट, ये है कोट, और एक इसके अंदर है ऐसे हाफ,
और वाइट कलर का शर्ट और साथ में ये टाई, रेड कलर का टाई है। और ये है वाइन कलर का, क्योंकि हम लोगों का ड्रेस वाइन से मिलता जुलता हो गया था, तो इसका भी मन था कि मैं भी वाइन कलर का ही लूंगा, इसलिए ये वाइन कलर का ढूंढ कर और फिर ये कोट पैंट लिया है। तो ये हो गया लक्की का। और अब देखते हैं इसमें और क्या है। तो देख सकते हैं एक और बैग निकला है और इस बैग में है शेरवानी। इसको निकाल के एक मिनट निकाल कर है इसका शेरवानी। अच्छा है ना, पहनने के बाद और अच्छा लग रहा था, और भी सुंदर लग रहा था ये। और ये दिया है इसके साथ, ये और अभी लाइट कम है इसलिए उतना ब्राइट नहीं दिख रहा है, पर जिस दिन पहनेगा उस दिन का वीडियो आप देखिएगा तो उसमें पूरा इसका लुक आएगा कि पहनने का कैसा लगता है। वैसे पहन के वहां पर देखा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। और काफी सारा सामान हो गया इसको समेटने में। लंबे हो सकते हैं वीडियो, थोड़ा स्किप मत कीजिएगा। और ये सब है घर में पहनने के लिए, एक ये, बट ये क्या हुआ छोटा हो गया। ये राशनी के लिए लिए थे, बहुत ही सॉफ्ट था ये, पर ये उसको छोटा हो गया है क्योंकि ये जो बाहर में रहता है ना उन लोगों से लिए थे, तो वहाँ पर तो मतलब कि नाप कर तो ले नहीं सकते थे, अंदाजा से लिए थे पर छोटा हो गया, कोई बात नहीं। और एक ये है लकी के लिए, एक ये टी शर्ट ब्लैक कलर का, और एक ली हूं मैं ये नाइट सूट, ये ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज भी नहीं है पीच कलर का है ये, हाँ पीच कलर का है नाइट सूट, ठंडी के लिए बहुत ही मुलायम मुलायम सा है, बहुत अच्छा है। और क्या है, ये तो हो गए इतने सारे कपड़े, और एक कपड़े में लास्ट में दिखाऊंगी वो मेरी बेटी का है, वो भी बहुत ही अच्छा है। और देखिए ये क्या लिए है, ये लिए एक सूज, और ये सूज है राजश्री मैडम का, कब से उसको ऐसा सूज लेने का मन था पर मिल नहीं रहा था उसको, जैसा वो ढूंढ रही थी वैसा नहीं मिल रहा था, पर ये देखी तो इसको अच्छा लग गया तो ये लिए है। देख सकते हैं कितना इधर भी ढेर हो गया थैले का और इधर भी ढेर हो गया कपड़े का। और एक ये सूज है, ये है लकी का। फर्स्ट दिन जब गए थे तो उस टाइम पे एक देखा था तो वो मुझे उतना पसंद नहीं आया था, फिर दूसरी बार जब गए थे उसी मार्केट, दो बार वो मार्केट से होकर आए हैं तब इतना सारा सामान है, और सामान चला गया, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, और सामान चला गया, काफी सारा चीज ब्लॉग में दिखा होगा, पर्स कपड़ा बहुत सारा चीज जो था उसका वो लेकर चली गई है, तो वो मैं नहीं दिखा पाई।
और ये ब्लैक कलर का जूता, ये है लक्की का। पानी का बोतल भी इसमें था और एक है ये सोच। ये इनका है। अच्छा ये कैसा कलर बताए? क्रीम है। मतलब कि फौजी टाइप का कलर में है ना? कलर मुझे पता नहीं चल रहा उतना कि ये कौन सा कलर पे है, पर बहुत ही अच्छा है। कैमरे में कैसा जा रहा होगा पता नहीं, क्योंकि बैक कैमरे से मुझे उधर दिख नहीं रहा है कि कैसा कलर जा रहा है, पर ये ऐसे सामने से बहुत ही अच्छा कलर है ये। और अब ये है सबसे लास्ट, सबसे लास्ट कपड़े देखिए। ये है कुछ ऐसा, फोटो में देख सकते हैं ऐसा ड्रेस है। बाकी मैं हर मतलब शुरू से बोल रही हूँ कि जब पहनेंगे तब पूरा लुक आएगा, तो पहनने के बाद देखिएगा कि कैसा आता है। ये है इसका ऊपर का और इसी में अटैच है ये दुपट्टा। पीछे से कुछ ऐसा है प्लेन और आगे से ये। जब पहनी थी ना तो वाकई में बहुत ही अच्छा लुक आया था, जब ये वहाँ पे ट्रायल रूम से निकली थी पहन के ट्राई करके, बहुत ही अच्छा आया था इसका लुक। और ये है इसका नीचे का स्कर्ट, स्कर्ट बिल्कुल प्लेन है, साइड से ऐसे लटकन लटका दिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सिल्वर कलर का ये देखकर। और ये भी वाइन कलर का है, लगभग मेरे घर में सबका वाइन कलर हो गया है, इसलिए ये भी लकी का कोट सिर्फ नहीं हुआ था तो वो भी वाइन ढूंढ कर ही लिया है। तो ये ऐसे प्लेन में है और ये एक एक साइड का बाजू है और एक साइड नहीं है, तो ये दे रखा है, अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो नहीं लगा सकते। वैसे बिना बाजू का ही एक तरफ में अच्छा लग रहा है, तो इसको तो लगाएंगे नहीं अभी। और ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टे में भी ऐसे लटकन लगा हुआ है, देख सकते हैं चारों तरफ है। और दुपट्टा भी अच्छा लंबा है, लंबा है मतलब इसके अकॉर्डिंग लंबा चौड़ा सही है, अच्छा दिया है। इसको लेने का मन था लहंगा, पर लहंगा मुझे उतना पसंद नहीं आया था, और लहंगा पहनकर भी ट्राई की थी तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट ये वाकई में बहुत सुंदर लग रहा था जब पहनकर आई थी। तो अब ये तो सारा फैल गया, अब इसको समेटने में भी लगेगा टाइम। तो कैसा लगा मेरा वीडियो और ये सारा सामान? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सामान लेकर, क्योंकि और सारा शॉपिंग हुआ हुआ है, काफी जगह जाकर शॉपिंग हुआ है, हर तरह के मार्केट से शॉपिंग कर करके आई हूँ। तो अगला शॉपिंग दिखाऊंगी आपको मैं सरोजनी नगर से मैं क्या लेकर आई हूँ। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में वहां का शॉपिंग दिखा लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।